नमस्कार भाग्य दर्शन कार्यक्रम को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्छे मु प्रज्ञा। आम जितेबाला ठाकुर को पूजा करथांती मंदिर तो आम सबुदिन जापार नथांती आमर घरे प्रत्येक घरे आम ठाकुर घर करथांती जो जो मैंने रेन्ट्रे रोचान बहुत सपोज घर ना तथा भी से गोटे ठाकुर गोटे रूम नी से ठाकुर को रखि था जितेबाला आम ठाकुर घर को केमती भाव में रखा एवं ठाकुर घर को किभली भाव आम रखिले पूजा कले कि भाव में पूजा करवा से विषय कह प्रथम कथा हूँ ठाकुर घरे आम जो कर्पूर लगे था दीप लगे था अलंधु लगे जाए ठाकुर घर प्रथम कथा हूँ अलंधु केबे भी रहिबो नाही कारण ठाकुर घर हूँ भगवान जगह जितेबले अलंधु घर लगी था ठाकुर घर से राहु बहुत आक्टिव हो जाए आप देखिए ठाकुर घर जी अलंधु बहुत थी आपत मंत्रपाठ करेंगे आपन को निद लगे आपन को अलस्वामी लगे आपन को इच्छा हम खाली सांगे सांगे के ठाकुर को टी देदेवी धूप दीप दे कि रूम रु मु बाहर जी बस पूजा करने को ध्यान करने को आपंकर इच्छा हे ना जदि आप निजे मार्क करूँ जदि अलंधु लगे ठाकुर घरे कर्पूर दे धूआ है तो जो अलंधु रही जाए ना से लग जाए सब कर्ण जगार से जगह आपत निद लगे बहुत जोर आपणकर कौन पूजापाठ बेसी समय कर रहा इच्छा हे ना तेणु प्रथम कथा हूँ ठाकुर घरे जो अलंधु लगी अलंधु को आप सफा करेंगे प्रत्येक शनिवार को शनिवार जदि सफा करदे अलंधु रहा ना जितेबले मटी कुंभाटुआ मान घर करबाटे हो कांथ कर्णर से आज शनिवार किरोसिन पकई कि सफा करूँ मटी जो कुंभाटुआ मान बसा कर घर करता केवल पूजा स्थान पर नुहे से घरपाई बहुत अशुभ आसी थाए कि गोटे निर्देश दे था जमी प्रकृति गोटे निर्देश कि गोटे अशुभ आसूसी तो यहाँ हूँ जी से तो सेटा को आपन क्लीन करी सफा करंतु जितेबले आपन ठाकुर को रखुछंती आपनकर ठाकुर घर केबे भी आपन नैऋत्य कोण रे ठाकुर घर आदम रखिबे नाही कारण सेटा होची ईशान्यर पूरा कर्ण अपोजिट रहिला माने गोटे कोण माने पूर्व उत्तर कोण होची ईशान्य कोण दक्षिण पश्चिम कोण होची नैऋत्य कोण तार कर्णर अपोजिट रहिला एटा होची देवता मानकर कोण हेले सेटा होची राक्षस मानकर कोण तेनु आपनकर पूजा घर को आपन केबे भी नैऋत्य कोण रे रखिबे नाही भगवान केबे भी रहिबे नै सेठी तो आपन ईशान्य कोण रे रखिबे जितेबले आप ठाकुर घर करमें कौन करती आम जो आम जितेबले रूम रे कबाट लगे था तो पूरा फिक्स तो कौटी फांका न था कबाट रे किंतु ठाकुर घर कबाट को आप के भी पूरा बंद करके रखिबे ना माने कबाटा जो सब दुई जाऊली कबाट लगवा कथा गोटे कबाट रहा कथा नुहे ठाकुर घर दुईटी कबाट करेंगे एवं दुईटी कबाट्रे इटा कबाट रहा ना तो आप फांका फांका ता भीतर रखिबे आमे केमती कही था आमे भी जेंती ना से माने भी भगवान सेंती से भी खाइबा बुलिबा बसिबा साजो सजा सब होउची ना नहीं तांकर तो से भी आमे कौन भाभी था पूरा बंद करके बंधन करके बाहर कबाट दे देले तो ता भीतर रहले किंतु फांका रहिबा निहाती जरूरी केबे भी कबाट को दुईटी कबाट रखिबे ठाकुर घरे एवं कबाटर फांका फांका करके सेमती कबाट बनेला बेले सेमती फांका फांका करिवे द्वार मुहरे निश्चय भाव रे ठाकुर घर रो सामना रे जस्ट आम जो कबाट खोलिबा बाहर एक घंटी लगे थे आप घंटी बजे कि भितर को जी तेणु घर बाहर माने ठाकुर घर रूम जो रहा रूम बाहर पट को से वाल आपड़ कबाटर सामने गोटे घंटी निहाती भाव लगे थे आम आम ठाकुर घर तो दीप लगे बेल तो आम घंटी बजाती तो ये घंटी बजेवा द्वारा भी तार जो ओराटा भी बहुत शुभ होता है जो ओराटी होता है जो ओरा आसी थाए जो नेगेटिविटी हटि जाए घंटी आप निश्चय भाव लगातु जो ठाकुर घर अच्छी आपणकर दीप आप लगे धूप दीप कर्पूर आरती करेंगे सब बेले से रूम भितर अग्निकोण जो रोचे दक्षिण एवं पूर्व रहा अग्निकोण रहा से दीप आप जो लगे ना दीप को सब अग्निकोण से रखिए ईशान्य कोण दीप केवे लगे से रूम भितर भी चारिटा दिग बाहर चारिकोण बाहर चारि दिग तेणु अग्निकोण से आप दीप लगे ईशान्य कोण से आप जलपात्र सब रखिए जलपात्र को जदि आप दक्षिणवर्ती शख में रखुं से बहुत भल रण कौन करेंगे ईशान्य कोण से गोटे पात्र आणवे तंबा हो पीतल हो काच हो ता भितर आप
ଜଳର ସ୍ଥାନ ସେଠୁ ସେଠି ହେଉଛି କଇଁଛ ମାଛ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ରାଜା କୌଡ଼ି ଏସବୁ ସେ ଜଳ ଭିତରେ ରଖି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିଲା, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିଲା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋଣ ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଳପାତ୍ର ରଖିବେ ଏବଂ ଜଳର ସେଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଜିନିଷ କରି ରଖିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେବେ, ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଜଳକୁ କାଢ଼ିବେ, ଫୁଲ ଦେବେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା। ଏଇ ପଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ନା, ଏଇଠି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଯେଉଁ ଧୂପ ଦେବେ, ଆପଣ ଅଗ୍ନି ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରିକି ଏଠି ରଖିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ହଠାତ୍ କି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୋଷିଦେବାନି, ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳ ଥଣ୍ଡା ଅଛି କି ଗରମ ଅଛି, ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ, ତାଙ୍କୁ କହିକି ପୂଜା କରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପୋଛିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇଦେବେ, ସ୍ନାନ ହେଲା ତାଙ୍କର, ସେମିତି ନାହିଁ। କହିବେ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ କଥା ହେବା ଭଳି କହିବେ। ଯେମିତି ଭାବରେ ମା ବାପା ସେ ବି ଆମର ମା ବାପା, ତେଣୁ ସେମିତି ସେଇ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ କିଛି ହେବନି। କେବେ ବି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆଗରୁ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରର ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଥାଏ, ଭାବ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଭାବରେ ତ ସିଏ ନିକଟ, ଅଭାବରେ ତ ଦୂର, ତେଣୁ ଭାବ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।